आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीरियन नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल पेट्रोल पंप और किलो वाले डंडे नहीं बल्कि आईटी स्टार्टअप है, बाइज्जत रोजगार और अच्छी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वोट को सिर्फ एक पर्ची ना समझा जाए, इसी ने आपकी किस्मत का फैसला करना है। शेर पर जितनी मोहरें लगें ये मुल्क उतनी ही तरक्की करेगा। कि वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं होती, वो आपकी तकदीर का फैसला, उसको बहुत सोच समझ के करना। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर आईटी स्टार्टअप से, आपका मुकद्दर कीलों वाले डंडे नहीं है, आपका मुकद्दर स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप से, आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार है, आपका मुकद्दर अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे स्कूल हैं। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वरगलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, वोट बहुत सोच समझ कर डालना, क्योंकि इस वोट ने आपकी तकदीर का फैसला करना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें कर ली है वो मैं रिपीट नहीं करना चाहती। हाँ, एक आखिरी बात करना चाहती हूँ कि 8 फरवरी को चाहे आपको अपने मुकाबले में कोई नजर आए या ना नजर आए, कोई मुस्लिम लीगी, कोई मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का वोटर घर ना बैठे और अपने साथ अपने मोहल्लेदारों को, अपनी फैमिली को लेकर निकलना और शेर पर मोहर लगाना, क्योंकि शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी